रुको रुको दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेरिकन डॉबरमैन। बड़ी चर्चित ब्रीड होती थी किसी टाइम 90s 2000 का जो टाइम था ना, वो डॉबरमैन का था। दो ही ब्रीडें होती थी, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन। मतलब हर घर में आपको डॉबरमैन मिलता था। लेकिन यूरोपियन भी खत्म हो गए और अमेरिकन भी खत्म होने की कगार में आ गए। कारण मुझे नहीं पता। और एक बड़ा अच्छा डॉबरमैन मुझे मिला है, ये भिवानी से भैया है। इनसे मैं आपको मिलाता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और ये बड़ा प्यारा डॉग है, आप वैसे शूट तो देख ही रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इनसे जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सांगवान, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा में। ये मेरा डॉबरमैन है, अमेरिकन डॉबरमैन है। ये जतिन सरीन की लाइन का बच्चा है। ये अपोलो, ब्लैक स्टार अपोलो, जो अर्जेंटीना से था, इम्पोर्ट हुआ था, चैंपियन डॉग, उसका बच्चा है ये। इसकी एज 2.5 साल है फिलहाल। और इसने पिछले साल अपना KCI में चैंपियनशिप पूरी कर ली थी, अपने 4 शो में इसने पूरी कर ली थी। सर, डॉबरमैन क्या है, दो तरह का होता है, यूरोपियन और अमेरिकन लाइन। तो अपना ये अमेरिकन लाइन है। यूरोपियन क्या होता है, थोड़ा इससे हैवी होता है, ब्रॉड होता है, चेस्ट वगैरह उसकी ब्रॉड होती है। बट क्या है, देखने में अमेरिकन ज्यादा सुंदर लगता है यूरोपियन से। तो मेरे को शुरू से शौक रहा है डॉग्स का, इसलिए मैंने अमेरिकन लाइन ही लेना पसंद करा, क्योंकि शो डॉग है ये। क्या है, एक वर्किंग ब्रीड है डॉबरमैन। ये बहुत ही, मतलब ये एक छोटे कंपार्टमेंट्स में नहीं रह सकता। इसके रहने के लिए बड़ा घर होना चाहिए, लोन वगैरह होना चाहिए बड़ी ब्रीड के लिए। ये क्या है ना कि अंदर छोटे कंपार्टमेंट में खुश नहीं रहता। इसको बाहर खुले में घूमना फिरना, इसकी रनिंग वगैरह, अगर इसको आप वर्किंग नहीं कराओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है रखने का। ये एक फैमिली डॉग है, इसको आप बच्चों में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ बहुत मतलब कंफर्टेबल रहता है, बच्चों के साथ भी बहुत, मतलब बहुत अच्छी ब्रीड है रखने के लिए। अगर आप रखना चाहो इसको, इससे कोई भी काम करा लो आप, ट्रेनिंग वगैरह, पुलिस में भी इसको डॉग्स काफी रखते हैं। इसको, इस डॉग्स को काफी मतलब पुलिस में आपको देखा जा सकता है, फॉरेन में भी इसको रखते हैं। ये देखो सर आप इसकी शेप साइज वगैरह, ये एक्सरसाइज का नतीजा है। अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो कोई फायदा नहीं है इसको रखने का। ये एक्सरसाइज मांगता है सुबह, इसको कभी भी आप किसी टाइम भी उठोगे, गेट खोलोगे तो ये एक्टिव रहेगा। इसको मतलब बाहर कुछ भी, अगर कोई भी जानवर या कोई भी हार्ट हुई ना, तो ये अपना एक्टिव हो जाता है। जब ब्रीड मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो इसका कोट जो है वो बिल्कुल छोटा होता है ना, इसमें मतलब घर पे रखते हैं तो इसको ना इसके बाल जड़ते हैं ज्यादा, ना मतलब इसको ज्यादा कंडीशनिंग की जरूरत है। इसका कोट दो कलर में आता है, ये ब्लैक और रेड। मेरे को रेड पसंद था शुरू से ही, इसलिए मैंने ये रेड पसंद किया, इसलिए मैंने रेड लिया। इसका खाना पीना कुछ भी दे दो आप, वही खा लेता है इसका। वैसे शुरू से मैंने इसको रॉयल कैनन पे रखा है। और सर्दियों में जिस तरह चिकन वगैरह हो गया, एग वगैरह हो गए, दही हो गया सुबह, गर्मियों में दही वगैरह, बस कुछ भी दे दो मतलब हर चीज खा लेता है। इसको ऐसी नहीं है कि मैं कोई मतलब खास ही चीज खाऊंगा। तो बहुत अच्छी ब्रीड है, मतलब कुछ भी दो, कहीं भी रखो, कहीं भी रह सकता है ये। जो डॉबरमैन है ये बहुत एनर्जेटिक डॉग है। हमको इसको डेली वॉक पे ले जाना चाहिए 2-3 किलोमीटर। पर ये बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली है और ये अपने फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रोटेक्शन बहुत करता है। रात को आप अपने फार्म पे, घर पे कहीं छोड़ो तो पेट्रोलिंग में करता है। आप इसको गर्मी में, सर्दी में, हर वेदर में इंडिया के हिसाब से कम्फर्टेबल है। मिला के बहुत अच्छा फैमिली डॉग है। माना तो ये कि आपको इस ब्रीड को प्रमोट करना चाहिए और ये बहुत ही लाजवाब ब्रीड है। एक बार आप इस ब्रीड को पाल लोगे तो आप खुद भी बहुत ही अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे, क्योंकि डॉग को आप एक्सरसाइज कराओगे तो उसके साथ फिर आपका भी मतलब हेल्थ का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। सुबह आप उसको सुबह उठ के वॉक पे ले जाओ तो मतलब ये डॉग बहुत अच्छा डॉग है। मतलब कुछ भी आप खिला सकते हो, आप इसको रॉयल या मतलब ये जरूरी है कि आप रॉ फूड भी रख सकते हो। ये हर चीज़ डॉग खाता है और इसका कोई ज़्यादा कोई हेल्थ इशू वगैरह भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि मेरा कहना है कि आप इस ब्रीड को पालो। अगर आप एक बार इसको पाल लिया, इसको अपने फैमिली में आप लिया है, तो आप को ये ब्रीड बहुत ही पसंद आएगी। डॉबरमैन बहुत ही मतलब कि मस्कुलर डॉग है, एनर्जेटिक डॉग होता है। इसका बेनिफिट उसके ओनर को भी मिलता है कि वो भी उसके साथ है। जब डॉग वॉक पे जाता है तो उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसकी उनकी भी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि आप एक बार डॉबरमैन जरूर पाल के देखो।